डेली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट 1 जुलाई 2020। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आज कोरोना वायरस और चारधाम यात्रा से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। यूरोपीय संघ ने 14 देशों के लिए अपनी सीमाएं फिर से खोली। यूरोपीय संघ ईयू ने 30 जून 2020 को घोषणा की कि वह 14 देशों के यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल रहा है। यूरोप की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण काफी प्रभावित हुई है। एक अनुमान के तहत हर साल 1.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी यूरोप की यात्रा करते हैं। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में जिन देशों के नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी उनमें अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और उरुग्वे शामिल हैं। नितिन मीनन आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अंपायर बने। भारत के युवा अंपायर नितिन मीनन को हाल ही में इंग्लैंड के नाइजेल लॉन की जगह 2020-21 सत्र के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल किया गया है। मीनन को 3 टेस्ट, 24 एकदिवसीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायरिंग का अनुभव है। वे इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय है। आईसीसी के महाप्रबंधक क्रिकेट जियोफिलिडाइस अध्यक्ष पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर और मैच रेफरियों रंजन मधुगले एवं डेविड बूम की चयन समिति ने नितिन मीनन का चुनाव किया। फिच ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 8% किया। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के वृद्धि के अनुमान इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट को घटाकर 8% कर दिया है। एजेंसी ने पिछले माह इसके 9.5% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि इसने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था में 5% संकुचन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के अपने पिछले अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की 2019-20 में अनुमानित वृद्धि दर 4.2% रही। फिच ने अपने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के जून के अपडेट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में 5.5% की दर से बढ़ेगी। फिच ने कहा कि भारत में सरकार ने वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए दुनिया का एक कड़ा लॉकडाउन लागू किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के परिचालन दिशा निर्देश जारी। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने 30 जून 2020 को 20,050 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। मत्स्य पालन श्रृंखला के साथ विविध हस्तक्षेपों के साथ पीएमएमएसवाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगा और इसे अगले स्तर तक बढ़ाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आशा व्यक्त की कि यह दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के त्वरित कार्यान्वयन में मदद करेंगे। केंद्र ने मई में मत्स्य क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए एक नई पीएमएसएसवाई योजना घोषित की थी। उत्तराखंड में 1 जुलाई से चारधाम यात्रा के लिए सौंप जारी। उत्तराखंड में 1 जुलाई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर सॉप जारी कर दी गई है। इस यात्रा में सिर्फ राज्य के लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके लिए ई पास जारी किए जाएंगे।
उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आया है तो उसे क्वारंटीन के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद ही चारधाम में दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। चारों धामों में दर्शन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सैनिटाइजर रखने के साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बोर्ड की ओर से जारी एसओपी के अनुसार दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु को धाम के विश्राम गृह में एक रात ही ठहरने की अनुमति होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट योर फीडबैक। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks.